क्लास तो आज हम करेंगे एवरेज के ट्राइट वाले क्वेश्चंस। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिलो देन 12। तो बिलो देन 12 के इवन नंबर का हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो हमको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो स्टार्टिंग वाला 2, 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट नंबर हमारे पास 12 होने वाला था, बट इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 12 से लेस देन चाहिए। तो 2 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन में 1 2 3 4 5, 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को अब आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों किया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 का सम किया अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट है भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स आउट ऑफ 4 नंबर्स। अब मेरे पास भाई कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। उनमें से इन 3 का जो एवरेज है वो मेरा कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स कितना हो गया भाई, 20 हो गया। क्लियर है? तो अब इनका मैं सम भी निकाल सकता हूँ। सम ऑफ 3 नंबर्स कितना होगा भाई, 20 मल्टीप्लाई में 3, इट मीन्स 60 होगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर, इट मीन्स इन 3 नंबर, लास्ट वाले 3 नंबर का क्या दे रखा है, एवरेज। एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 नंबर्स तो वो कितना है, 51 है। अब देखो ये सैनिक की बुक में 51 दे रखा है, बट ये एक्चुअल में क्या है, अगर आपको अपना आंसर मैच करना है तो ये कौन सा 15 है, ठीक है ना। तो इसको आप 15 बना लेना, क्या बना लेना है, 15 बना लेना। तो सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स वो क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई में 3। ओके, तो हमारा जो सम होगा, सम आएगा 45। और उसमें बोला था जो ये लास्ट वाला नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, 25 है। तो हमारा जो लास्ट नंबर 25 है, तो मिड 2 नंबर का सम कितना आएगा, मिड 2 नंबर जो सम होगा वो कितना होगा भाई, अगर मैं तीनों के एडिशन में से उस लास्ट वाले को माइनस कर देता हूँ तो मेरे मिड वाले के 2 का निकल जाएगा। तीनों को लास्ट वाले तीनों का एडिशन कितना आ रहा था, 45। लास्ट वाले नंबर का क्या है, 25। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मेरा आंसर आ गया 30, 30 नहीं सॉरी 20 आएगा। अब मुझे पता चल गया इन दोनों का जो सम है वो 20 है। अब मुझे ये नंबर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, फर्स्ट नंबर के लिए अगर मैं फर्स्ट 3 में से, फर्स्ट 3 सम में से अगर मैं 2 का सम निकाल देता हूँ, 2 का सम माइनस कर देता हूँ, तो फर्स्ट 3 का सम मेरे पास 60 था और इन बीच वाले 2 का सम कितना आया, 20 आया। तो सबसे पहला वाला नंबर कितना होगा, 40 होगा। ओके क्लास, वीडियो रिमाइंड करके देख लेना अगर नहीं आता है तो समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। तो मुझे क्या, सबसे पहले फर्स्ट 10 होल नंबर पता होना चाहिए। एक 0 है, प्लस में 1 है, फिर प्लस में 2 है, फिर प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, प्लस में 7, प्लस में 8, प्लस में 9 अपॉन में क्या कर दोगे, 10, क्योंकि हमें फर्स्ट 10 होल नंबर्स का निकालना। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स 0 भी इंक्लूड होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 से डिवाइड कर देना, इनका सम कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। द एवरेज ऑफ 8 ईयर गर्ल इज सॉरी 8 गर्ल्स, तो एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ 8 गर्ल कितनी दे रखी है भाई, 12 है। ओके, तो सम ऑफ ईयर है, सम ऑफ 8 गर्ल एज कितनी होगी भाई, 12 मल्टीप्लाई में 8 होगा, इट मींस 96 होगा। अब इसमें क्या है, एक गर्ल
निकल जाती है। लेफ्ट मीन्स क्या होता है, निकल जाना। तो एक लड़की जब निकल जाएगी तो हमारे पास क्या बचेंगे, सेवन गर्ल। कितनी बचेंगी भाई, सेवन गर्ल। इफ फाइव ईयर, वो भी कितने साल वाली गई है, फाइव ईयर वाली। सेवन गर्ल एज, सम कितना बचेगा सर, वो बचेगा पहले एट का 96 था, तो एक पाँच साल वाली लड़की गई है, तो सेवन का कितना बचेगा, 91। तो जो एवरेज होगी वो कितनी होगी भाई, 91 तो उनकी एज का टोटल बचा है और लड़की बची है सेवन, तो सेवन से इसको कट कर देंगे तो 13 पे गएगा। तो एवरेज ऑफ सेवन गर्ल जो आएंगी एज वो आएगी 30। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ सेवन। सेवन के फाइव मल्टीपल लिख लो पहले भाई, पहला वन, फिर दूसरा 14, तीसरा क्या आएगा 21, फोर्थ वाला क्या होगा 28, और लास्ट वाला क्या होगा 35। अपॉन में कितने से डिवाइड करना है, फाइव से, सेवन से नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 15 बुक खरीदी हैं हमने 200 के रेट से, 10 बुक परचेज किए हमने 170 के रेट से, और 32 बुक परचेज किए हमने 150 के रेट से। तो आपको ये बताना है कि एवरेज एक बुक का प्राइस कितना होगा, वन बुक का। तो 15 बुक प्राइस, तो 200 मल्टीप्लाई में 15 आ जाएगा, क्योंकि वो वन बुक का प्राइस था। सम निकाला, मैं डायरेक्ट सम कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, फिर उसके बाद सेम 10 बुक प्राइस, वो कितना है भाई, 170 है, तो 170 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 बुक, 32 बुक प्राइस, वो क्या होगा, 320 मल्टीप्लाई में क्या होगा भाई, बोलो 150। इनका मल्टीप्लाई 3000 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 1700 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1020 और 15 2 30 कैरी कर गए 3 15 3 4 8 8। इनका आएगा आपका, सॉरी ठीक है, मिस्टेक इज दिस, क्योंकि वो 32 था बस, तो इसका जो प्राइस आएगा 48800 आएगा। तो जो टोटल बुक हैं भाई वो कितनी हो गई हैं सर, टोटल बुक हो गई है हमारी 57 तो हमारी टोटल बुक हुई है, और टोटल प्राइस कितना हो गया है, टोटल प्राइस हो गया है, इनको ऐड कर लेना, 3000 प्लस में 700 प्लस में 4800। तो अब एवरेज जब आप निकालोगे टोटल प्राइस में से, अपॉन में क्या कर देना, टोटल बुक, तो आपकी एवरेज की क्या आ जाएगी, तो आपको पता नीचे तो 57 रहने वाला, ऊपर क्या आएगा, ये वाली वैल्यू जाएगी, इनका एडिशन, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 38। तो सम निकाल लेंगे, सम ऑफ 20 नंबर्स क्या होगा, 38 मल्टीप्लाई में 20, इट मीन 760। इफ टू नंबर ओमिटेड, जो टू नंबर ओमिट किए हैं, टू नंबर ओमिट या लेफ्ट, उनका जो सम बनता है वो कितना बनता है, 35 प्लस में 45, इट मीन्स हमने जो नंबर निकाले थे, जो दो नंबर निकाले थे उनकी जो वैल्यू थी वो 80 थी। तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे होंगे, 18। तो 18 नंबर का जो सम बचा होगा, नंबर सम कितना बचा होगा सर, टोटल का 20 का तो 760 था, जो दो निकाले उनकी वैल्यू 80 थी, तो 80 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 0, ये 8 और ये 6, तो 680 बचेगा। अब एवरेज बतानी है, तो एवरेज के पास क्या गएगा सर, एवरेज होगी, बचे हुए नंबर हैं 680 और वैसे टोटल नंबर जो बचे हैं वो 18 है। तो भाई इस 18 का समय एवरेज निकाल देना आप इजीली इनको कट करके, नेक्स्ट है व्हाट इज द
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 गोज टू इन्फिनिटी, 1+2+3+4 अपॉन में क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 फोर नंबर हैं, तो इनका सम कर देना, इनका सम क्या आएगा, 4 और 4 8 और 2 10, 10 अपॉन में 4 आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ आप डायरेक्ट क्या डेसिमल निकाल देना, ये 5 पे जाएगा 2 पे और रिजल्ट आएगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 25, तो सम ऑफ थ्री नंबर निकाल दूंगा मैं डायरेक्ट, सम ऑफ दो बार यूज किया है, सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो वो क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई में 3, इट मीन 75 हो जाएगा। अच्छा, इफ फर्स्ट नंबर इतना है, सेकंड नंबर इतना है, तो सम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर, उनका सम कितना होगा भाई, 24 प्लस में 21, इट मीन्स आपका क्या होगा, 5 and 45। तो आपको थर्ड नंबर निकालना, तो थर्ड जो नंबर होगा, थर्ड नंबर क्या होगा भाई, टोटल सम में से माइनस कर दो 1+2 का सम, तो टोटल सम 75 माइनस में 2 का सम 45, इट मीन्स रिजल्ट क्या आएगा, 0 और 3, तो तीसरा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा भाई, 30। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ फोर मेंबर्स, तो फोर मेंबर की एवरेज एज कितनी है, 30 है, तो सम एज ऑफ फोर मेंबर वो कितनी बनेगी भाई, 30 मल्टीप्लाई में 4, इट मीन्स 120 बनेगी। अब इसमें एक नया मेंबर और आ जाता है, ठीक है भाई, तो जब एक नया मेंबर और आता है तो मेंबर हमारे पास कितने हो गए, मेंबर हो गए, मेंबर इज 5, बट जो एज होगी, एज कितनी है भाई, 120 है, जो नया मेंबर आया वो क्या है, न्यू चाइल्ड बॉर्न बेबी है, तो उसकी एज तो भाई कुछ होगी नहीं, 0, तो अब मेंबर है 5 और एज कितनी है, 120, तो एवरेज कितनी आएगी सर, एवरेज आएगी टोटल एज का प्लस, मतलब 120 रहेगा और मेंबर बट बढ़ चुके हैं, तो एवरेज एज कितनी आएगी, 24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 बॉयज स्कोर्ड इतने मार्क्स को, मतलब 5 बच्चे हैं मेरे पास, वो मार्क्स सॉरी इतने रन स्कोर करते हैं किसी मैच के अंदर, आउट ऑफ 20 में से स्कोर कर रहे हैं, तो आपको बताना फाइंड द एवरेज, तो हमारे पास एवरेज के लिए क्या है, सिंपल फार्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 17 प्लस में 18 प्लस में 19 प्लस में 20 प्लस में 20 अपॉन में क्या आएगा, 5, तो इनका एडिशन कर देना और 5 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 12, अब हम बुक से ही क्वेश्चन रीड करेंगे, अ कार कवर अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर इन 4 आवर, देन फाइंड द एवरेज, तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया भाई, 300, और टोटल टाइम कितना हो गया भाई, 4, तो भाई देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, 4 से ही आपका 150 पे जाएगा, 2 पे और ये 75 पे, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 75 किलोमीटर पर आवर होगी। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 91 से लेके 100 के बीच में, आपको प्राइम नंबर लिख लेने हैं सबसे पहले, तो 91 तो है नहीं प्राइम नंबर, 91 92 नहीं है, 93 में पहले नंबर लिख लेता हूँ, 94 95 96 97 और 98 और 99। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं सर, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं भाई, इसके तो दो से ज़्यादा फैक्टर, क्योंकि ये तो इवन भी है, क्योंकि दो की टेबल में तो आएगा और वन की टेबल में ज़रूर आएगा और 92 की टेबल में आएगा, इट मीन्स ये तो है नहीं, इसको काटो, 93 9 प्लस 3 का सम 12 आ रहा, मतलब 3 टेबल में आएगा, इट मीन्स ये भी कट, 94 इवन नंबर है ये भी कट, 95 आपका कौन सा नंबर है, 5 से जाएगा नहीं आएगा, लास्ट में इवन आ रहा नहीं होगा, 97 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये एक सिलेक्टेड है, 98 फिर दोबारा इवन नंबर है ये नहीं आएगा, 99 9 प्लस 9 18 है और 18 तो हमारे 3 टेबल में आएगा, इट मीन्स ये भी 3 टेबल में आएगा, इसलिए ये भी नहीं, तो एक ही सिंगल ही नंबर है वो 97, कितने नंबर है, एक नंबर है, तो जो एवरेज होगी वो क्या होगी, सम ऑल ऑब्जर्वेशन होता
बट ए की ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में ए की, तो 97 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम स्कोर करता है, राम ने स्कोर किया 95% इन वन एग्जाम ऑब्टेन एंड 97% अनोदर में, तो टोटल एवरेज निकालनी है। तो टोटल एवरेज आराम से निकल जाएगी पहले पर सब्जेक्ट के मार्क्स और प्लस में दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स। अब टोटल सब्जेक्ट हो गए 2, तो एवरेज क्या होगी, ये क्वेश्चन नंबर है 14, तो एवरेज क्या होगी भाई, ये 96 और 96 आपका ऐड हो जाएगा तो वो बनेगा 192 अपॉन में 2 कर देंगे तो फिर दोबारा वो 96 पे कट हो जाएगा, तो उसकी जो टोटल एवरेज आएगी वो ये होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, डायरेक्ट करते हैं, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 41, सॉरी एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, तो एवरेज दे रखी तो मैं सम निकाल लेता हूँ, सम ऑफ थ्री नंबर्स तो वो क्या होगी 11 मल्टीप्लाई में 3 इट मीन्स 33 होगी। ओके 33 एवरेज आ गया, सम आ गया, उसमें बोला था इफ एवरेज ऑफ टू नंबर्स, अब टू नंबर की जो एवरेज है टू नंबर सम निकाल लेंगे, फिर टू नंबर सम वो क्या होगी, एवरेज हमारे पास टू नंबर की कितनी देगी 14, तो 14 मल्टीप्लाई में 2 28 हो गया। फाइंड द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर निकालना तो इन दोनों का सबट्रैक्ट कर देना, क्योंकि 1 2 3 इन तीनों का सम पता चल गया, इन दोनों का सम पता चले, इसको निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देना, 33 माइनस में 28 इट मीन्स रिजल्ट क्या आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 16 है, विराट कोहली ने हमारे स्कोर किए हैं 5 मैचेस के अंदर और रोहित शर्मा ने स्कोर किए हैं 5 मैचेस के अंदर, तो सिंपल है विराट कोहली की जो एवरेज आएगी, एवरेज विराट एवरेज कितनी आएगी भाई, उनका सम आएगा 92 प्लस में 40 प्लस में 75 प्लस में 88 प्लस में 100, कितने मैचेस है सर 5 मैचेस हैं, तो उनकी एवरेज ये आ गई। और रोहित शर्मा, रोहित शर्मा की 96 प्लस में 98 प्लस में 100 प्लस में 140 प्लस में 80 अपॉन में 5, तो इन दोनों का जो सम आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देना, जिसकी एवरेज ज़्यादा आए वो उसने क्या है अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है रोहित ने अच्छा परफॉर्म किया है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो इसमें इसके ज़्यादा हैं बट इसमें इसके ज़्यादा हैं, इसमें भी इसके ज़्यादा है, इसमें भी इसके ज़्यादा है, इसमें भी इसके ज़्यादा, बस इसके एक ही में ज़्यादा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है। और कमेंट बॉक्स में आप देख लेना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्रिकेटर वेरियस मैचेस उसने क्या कुछ स्कोर किए हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसने स्कोर किए हैं, एक तो 13 स्कोर किया है, एक 0 किया है, एक 19 किया है, एक 17 किया है और एक 6 किया है। अब एवरेज बताना, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स, तो सम ऑफ फोर नंबर निकालेंगे, सम ऑफ फोर नंबर वो कितनी होगी 40 मल्टीप्लाई में 4 इट मीन्स 160। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स, सम दे रखा है, सम ऑफ दे ही रखा है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर कितना है भाई 75। अब सम दे रखा है तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा सर 4 के सम में से उनका सम कर दो 160 माइनस में 75, इनका सम माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 85, तो आपका आंसर 85। थैंक यू क्लास।